तो आइए अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गोचर होने जा रहा है आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी राइटिंग का, टैलेंट्स का, आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, आपकी छोटी यात्राएं। तो जब केतु यहां पर आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उदासीन करते हैं इन सब चीजों के प्रति। यानी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार से डिसीजन ना लें। यानी कि कोई भी आपके दोस्त बन रहे हैं, आपने नहीं बिना सोचे समझे उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है और बाद में वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। आपके छोटे भाई बहनों से भी आपके रिश्तों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, किसी ना किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, या अगर वो आप साथ रहते हैं तो हो सकता है कि छोटे भाई बहन आपसे दूर हो किसी ना किसी कारण से। वो फिजिकल कारण भी हो सकते हैं और वो इमोशनल या मेंटल कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु इफेक्ट करते हैं आपको मेंटली। और आपकी छोटी यात्राओं में भी कमी हो सकती है इस समय पे, आपका मन ही ना करे। यदि जाना भी है तो भी आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आए कि मुझे नहीं जाना। आपको अपने फ्रेंड सर्कल तो हैं, मगर उनसे जब आप मिलते हैं तो आपके दिल में कहीं ना कहीं कुछ डिससेटिस्फेक्शन सा महसूस होना। तो इस तरह के आपके फीलिंग्स हो सकती हैं इस भाव के प्रति। देखिए, केतु इज मोर अबाउट फीलिंग्स, केतु इज नॉट अबाउट थिंकिंग। तो ये फीलिंग्स को ज्यादा दर्शाता है। हो सकता है यदि आप ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे अभी तक, तो अब आपका ऑनलाइन से इंटरेस्ट भी खत्म हो, आपका मन ही ना करे। और जो भी आप ईमेल्स लिखें या जो भी आप कम्युनिकेशन करें, कोई वीजा का आपका कुछ पेपर वर्क चल रहा है या कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, उसमें भी आपको केयरफुल रहना होगा। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि कोई भी चीज आप या तो मिस आउट ना कर जाएं, या फिर सोशल मीडिया पर यदि आप हैं तो आप कोई ऐसी बात ना लिख जाएं जो कि लोगों को आगे से परेशान करे और उस बात पर कोई वाद विवाद खड़ा हो जाए। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है जब भी केतु आपके तीसरे भाव में आते हैं। यदि आप आपके अंदर कोई टैलेंट्स हैं, यदि आप सिंगिंग में हैं, डांसिंग में हैं, या किसी भी तरीके के आपकी जो हॉबीज हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी करते हैं केतु। अंदर से आपको फीलिंग आता है कि नहीं, मेरा अभी मन नहीं है ये करने को। तो आपको बेसिकली वो ये जो केतु जो ट्राई कर रहे हैं, वो ये ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने की कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। वो किसी चीज को करवा नहीं रहे हैं, वो आपको फीलिंग्स दे रहे हैं, वो आपको एक पर्सपेक्टिव चेंज करवा रहे हैं कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं तो आप ऑब्सेसिव बिहेवियर के कारण ये भी नहीं सोच पाते कि ये सही है या गलत। कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे लिए एक्चुअल में सही नहीं होती है। तो जब भी केतु जिस भाव में आते हैं तो हमें ये बताते हैं कि क्या ये चीज सच में तुम चाहते हो। और वो जो डिससेटिस्फेक्शन देते हैं वो चैलेंज है जिसको आपको क्रॉस करना होता है। यदि आपके छोटे भाई बहन से आपकी कोई तकरार होती है या किसी भी तरह का डिसअग्रीमेंट होता है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको उसमें ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी जड़ तक जाना होगा और तब जाके आपको आंसर्स मिलेंगे। और इस समय पे आप आध्यात्मिक यात्राएं भी करेंगे, आपको इंटरेस्ट हो जाएगा इन सब चीजों में। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इनके वीडियोस देखने लगे अध्यात्म से जुड़े, और वो अच्छा है क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, ये आपको मटेरियल चीजों से दूर करते हैं, ये आपको जीवन की जो रियलिटी है उससे आपको अवगत करते हैं। तो केतु के इस ट्रांजिट में आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है कि आप ऐसी कोई बात ना कहें जो कि किसी को चुभ जाए,
आपके भाई बहनों से, आपके रिश्तों में आपको तालमेल बना के रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और अपने जो भी चीजें आप राइट करते हैं, चाहे आप एक राइटर हो ना हो, या अगर आप सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में भी कोई ईमेल लिखते हैं, उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें भी आपको हेडलेस नहीं होना है, बातचीत में भी हेडलेस नहीं होना है। लेकिन ऐसा आपको मतलब प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा हो, तो आपको एक्स्ट्रा वॉचफुल रहना है इस चीज में। तो ओवरऑल अच्छा है कैंसर लग्न वालों के लिए कि वो अपना आध्यात्मिक सोच को और ज्यादा स्ट्रांग करें और चीजों की जड़ तक जाने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों जो भी हुआ, और फिर अपनी गलतियों से सीख के उसे करेक्ट कीजिए। तो डेफिनेटली केतु का ये ट्रांजिट आपको कोई भी परेशानी नहीं देगा।